ये आ जाएगी वैल्यू हमारी। और अब हमें एक डायरेक्शन दी गई है, हमारी डायरेक्शन क्या है, 2i कैप 3j कैप प्लस 4j k कैप। तो इसका यूनिट वेक्टर, इसको हम लेट कर लेंगे a, और इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमारी इक्वेशन अंडर में इसका डिटरमिनेंट। तो जब हम इसका निकालेंगे तो ये हमारी हो जाएगी a कैप इक्वल टू 2i कैप 3j कैप 4k कैप अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप 4k कैप अपॉन माइनस 29। ये हमारा अब निकालेंगे हम डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो मैंने आपको वो फॉर्मूला बता दिया था, ग्रेडियंट हमने फाई का निकाला और इनटू वेक ए कैप यूनिट वेक्टर ए। तो इसका हमने निकाला था तो ये आया था, नहीं ये नहीं आया था, ये आया था भाई। तो फाइव हम कॉमन ले लें या फिर नहीं कॉमन नहीं लेंगे, आपको समझा देंगे एक बार, इनटू ये अपॉन। तो इसको इससे करेंगे तो माइनस 10, इसको इससे करेंगे तो माइनस 15, इसको इससे करेंगे तो प्लस 20 अपॉन 29। तो ये हमारा आएगा माइनस 25 प्लस 25 आ जाएगा अपॉन में रूट माइनस 5 आएगा। और ये हमारा आ गया डायरेक्शन डेरिवेटिव फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन करने के बाद एक टाइप का क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से आएगा इस एक्सरसाइज में, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू किसी प्रकार से पूछ सकता है फॉर द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो इसका हम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालेंगे, जो पिछले वाले में मैंने निकाल के बताया उसी प्रकार से निकालेंगे, पैटर्न हमारा वही होगा। लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन नहीं दी गई है गिवन, इसमें हमें सीधा फंक्शन दिया गया है और पॉइंट दिए गए हैं और हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो क्या करेंगे हम, अब ग्रेडियंट अफ निकालेंगे या डेल अफ निकालेंगे। तो इसका मैं सीधी वैल्यू लिख देता हूँ आपको क्या आएगी, क्योंकि मैंने आपको बार बार तीन चार बार आपको रिपीट कर दिया यह पैटर्न, उसी प्रकार से इस प्रकार लिख देंगे इसको। ये वैल्यू हमारी एफ, ये एफ फिर से यहाँ पर आएगा और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में एफ, तो ये हमारी आ जाएगी अगर आप सोल्व करेंगे तो इसको। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करके ही बता देता हूँ। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6x, वाई स्केयर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो 15x² z प्लस, इसमें एक्स दे रखा है तो 3y² z² के आई जेगा। और फिर हमारी हो जाएगी यहाँ पर 6x² y माइनस, इसमें y नहीं दे रखा तो 0 हो जाएगा, इसमें y दे रखा है तो हमारा आगे 6x y और z², ये हमारी जे कैप होगी। अगर के कैप के थ्रू x z का करेंगे तो हम इसमें z दे दे रखा तो 0 हो जाएगा, इसमें z दे रखा है तो माइनस 5x³ प्लस, इसमें जड़ दे रखा है तो ये आगे आ जाएगा 6, ये हमारी के कैप के थ्रू। अब पॉइंट दे रखे हमें 1 -1 और -1, इनको पुट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएंगी इसलिए मैंने पुट कर दिया। और अब मान लीजिए हमारी ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, मान के लीजिए शायद आएगी यही क्योंकि मैंने किया नहीं है एक बार अच्छे से। फिर ये वैल्यू आ जाने के बाद क्या करेंगे, यदि मैक्सिमम, हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, ये मैक्सिमम वैल्यू, देखिए मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आप इसे समझ के अपने आप से कर सकें। मेरी कैलकुलेशन में शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन तरीका एकदम सटीक है, इसी तरीके से हमें सवाल करने हैं सारे एक्सरसाइज के। तो इस मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो हमारे ग्रेडियंट आया है अफ की वैल्यू आई है उसका डिटर्मिनेंट कर देंगे हम, जैसे कि इसका कर दिया हमने। तो जो वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पर वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट वाले की ओर
बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट सवाल हमें इस कैटेगरी में मिलेंगे, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस कैटेगरी में मिलेंगे, नॉर्मल प्लेन पूछ लेगा हमसे पहले तो, एंड टेंजेंट प्लेन। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। ये हमारे फंक्शन दिया गया है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इक्वल टू फाइव एट द पॉइंट, ये हमें पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो अब तक हम करते हैं वैसे ही करेंगे, लेट एफ इक्वल टू हमने फंक्शन ले लिया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, इसको माइनस फाइव इधर ले आएंगे तो हो जाएगा। अब इसका ग्रेडियंट निकालना है एफ का, तो ये हमारा डेल एफ, तो इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ये, इसके एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर जो पहले लगाते आए हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में टू एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में टू वाई प्लस जेड के रिस्पेक्ट में टू जेड, ये हमारा आ जाएगा एट पॉइंट में जाएगा है पॉइंट में वन माइनस वन एंड टू। तो यहाँ पर पॉइंट पुट कर देंगे, टू वाई हो जाएगा ये, तो ये हमारा माइनस टू जे हो जाएगा और ये हमारा फोर के हो जाएगा। तो इतना करने के बाद सबसे पहले हम टेंजेंट के कैसे निकालेंगे वो करेंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय, तो मान लीजिए ये हमारा एक आर वेक्टर है और ये भाई इंट के इंटू में हमारा ग्रेडियंट ऑफ, तो जो हम बड़ा आर ले रहे हैं वो तो हमारा हो गया जो हमने ये पहले आर की वैल्यू नहीं ली थी इस प्रकार से, तो ये हम बड़े आर की जगह ले लेंगे, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं इनकी जगह, ये मैंने मानने के लिए क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला इस प्रकार, आर की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, बी भी, कुछ भी, बस सवाल का तरीका सही होना चाहिए और हमारा पैटर्न बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल। और जो स्मॉल आर ले रहे हैं हमारा ये होगा द पोजिशन वैक्टर एट द पॉइंट, ये हमने पॉइंट मिले थे जो है वन माइनस वन, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, जब पोजिशन वैक्टर हो गया तो आई ये माइनस दो माइनस जे प्लस टू के, तो इनको इनमें पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस पोजिशन वैक्टर इंटू हमारा इंटू डॉट प्रोडक्ट लगाएं और ये कर देंगे हम एक्स आई प्लस टू वाई जे प्लस टू जेड के, तो इसको से इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा, जे को बाहर ले लेंगे कॉमन है, एक्स माइनस वन कर देंगे इसमें वाई, ये माइनस पहले डबल है तो प्लस हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा, और जेड प्लस माइनस टू के इंटू ये हमारी वैल्यू ग्रेडियंट वाली टू एक्स आई टू वाई टू के, ये मेंशन कर देना हमें साइड में, तो इसको जब इससे करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स इंटू वन टू एक्स प्लस वाई, ये आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा टू वाई प्लस जेड माइनस टू टू जेड। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना इसलिए मैंने थोड़ा कट किया था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, यही हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी। और अब करते हैं हम फॉर प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन अपॉन करली वाई करली एक्स का, इसका जो आया था हमारे पास, तो इसका हमारे पास आया था ये आई थी हमारे पास इक्वेशन जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था टू 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 वाली टू टू और फोर, और जो हमारा एक्स वन है ये तो हमारे ये देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये एक्स वन की जगह वाई वन की जगह जेड वन की जगह, ये तो हमारे गिवन पॉइंट है जो वन वन और टू गिवन थे क्वेश्चन में, और जो ये हमने डेरिवेटिव किया था इसका ये आई थी इसकी वैल्यू एट पॉइंट हमने ऐड करके किया था, यहाँ पर टू माइनस टू फोर है तो वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, इतना ही करके आना इसमें नॉर्मल टेंजेंट में हमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसे लगी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और इसमें आपकी थर्ड पॉइंट थर्ड तक मैंने सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी हैं, जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, आप मैथ को ठगे कीजिए। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।